और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका और ताइवान के खिलाफ चीन की एक बहुत बड़ी जंगी तैयारी है और सनसनीखेज सैन्य मूवमेंट, मिलिट्री मूवमेंट सामने आया है चीन का, क्योंकि ताइवान से 952 किलोमीटर की दूरी पर चीन का ये विशाल सैन्य काफिला जो नजर आया है। और चीन की सोशल एक्टिविस्ट ने ये वीडियो इस वक्त पोस्ट किया है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शेनाई हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा चीन का ये सैन्य काफिला नजर आया, यानी कई किलोमीटर तक चीन का ये सैन्य काफिला चलता हुआ नजर आ रहा है। और चीन का ये बड़ा सैन्य मूवमेंट है, एक तरफ अमेरिका ताइवान का साथ देते हुए नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा है ताइवान की मदद को लेकर। जेनिफर जेंग की तरफ से ये एक वीडियो पोस्ट किया गया है, और जेनिफर जेंग जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो ये बता रही है कि कैसे पीएलए बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे, देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ Money9 पर, अभी डाउनलोड करें। एक लंबी तैयारी में है, फील्ड कम्युनिकेशन व्हीकल इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसके साथ ही जेनिफर जेंग ने इस पोस्ट के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि चीन की कैसी तैयारी है अमेरिका को लेकर, और ऐसे में एक बहुत कम दूरी पर यह तैयारी की जा रही है, कई किलोमीटर लंबा यह काफिला सड़कों पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये चीन का एक बड़ा सैन्य मूवमेंट है। ये तस्वीरें शेनाई हाईवे की हैं, और कई किलोमीटर जहां तक आपकी नजर जाएगी ये चीन का सैन्य काफिला इस हाईवे पर आपको नजर आएगा। और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से, जेनिफर जेंग की तरफ से ये वीडियो जारी कर चीन की तैयारियों को दिखाया गया है। और सीधा इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जेनिफर जेंग की तरफ से जो एक सोशल एक्टिविस्ट है ये वीडियो साझा किया जाता है, अब इस वीडियो को कैसे रीड किया जाए क्योंकि अमेरिका ताइवान के साथ है और चीन को इससे मिर्ची लगी है। देखिए, ये एकदम क्लियर है कि चीन लगातार तैयारियां कर रहा है, और चीन के जो तैयारियां हैं उनके संकेत लगातार सामने आ रहे हैं, और जो ताइवान का एयर आइडेंटिफिकेशन जोन है उसमें चीन लगातार घुसपैठ भी कर रहा है, और ताइवान में तैयारियां हो रही हैं। आपने जो बात कही थी वो सच्चाई है, ताइवान ने बाकायदा वर्कशॉप की जा रही है, और उन वर्कशॉप में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर अटैक होता है तो किस तरह से सर्वाइव करना है। वहां पर जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके नीचे का बेसमेंट और बंकर, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको कैसे अपने आप को रक्षा करना है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, इसकी बातें हो रही हैं। तो ये खतरा वाकई बढ़ गया है, और जिस तरह से CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न, उन्होंने ये बात कही है कि चीन हर हाल में हमला करेगा, बस वो यूक्रेन के अटैक को देखते हुए अपनी तैयारियों को एक नए तरीके से रेखांकित कर रहा है, लेकिन हमला वो करेगा, इसमें दो है। ठीक, एक तस्वीर नजर आ रही है चीन की तैयारियों को लेकर, उसके मिलिट्री मूवमेंट को लेकर, हाईवे पर कई किलोमीटर तक जहां तक नजर जाएगी ये मिलिट्री मूवमेंट चीन का नजर आ रहा है, लेकिन ये तैयारी किस लिए है अभिषेक से इसे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो खबर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है इस वीडियो के साथ, ये खबर पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी खबर है, और इसकी कुछ और डिटेल्स हमने रिसर्च के जरिए इकट्ठा की है। आइए, चीन के इस मेगा सैन्य एक्शन से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स क्या है, ये फैक्ट्स हैं, इस पर आप गौर कीजिएगा क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। एक बार फिर से ये वीडियो आप देखिए, ये है चीन के सोशल एक्टिविस्ट जेंग, और इनकी तरफ से इस बड़े सैन्य मूवमेंट की तस्वीरें जारी की गई हैं। इसकी डिटेल्स ये है कि ये तस्वीरें हैं शेंघाई हाईवे की, और चीन का कई किलोमीटर लंबा काफिला आपको नजर आता है। देखिए, गाड़ियां चलती हुई आपको इस वीडियो में नजर आ रही है, ये बता रही है कि चीन की तैयारी कैसी है, और साथ ही शेंगयांग के हाइकों के बीच ये चीन का सैन्य काफिला नजर आया है। और ये सारे फैक्ट्स इस सोशल एक्टिविस्ट के इस वीडियो के जरिए इकट्ठा किए गए हैं, इसकी और रिसर्च की गई है। ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है इसमें PLA के फील्ड कम्युनिकेशन कमांड व्हीकल्स भी देखे गए हैं, फील्ड कम्युनिकेशन कमांड व्हीकल्स जिनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इस तरह की तैयारियों के बीच में जेंग ने फील्ड कम्युनिकेशन कमांड व्हीकल्स के अंदर की तस्वीरें भी साझा की हैं, और ये तस्वीरें पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त चिंता का एक बड़ा सबब भी बन सकती है।
और पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें इस वक्त देखिए जो सामने आई हैं, ये है सैन्य काफिले की तस्वीरें और साथ ही ये जो व्हीकल्स हैं, कम्युनिकेशन व्हीकल्स हैं, इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है। किस तरीके से इनको डिप्लॉय किया जा रहा है, ये तस्वीरें और साथ ही फैक्ट्स आप देखिए, क्योंकि ये सैन्य काफिला जो है वो एक लंबा काफिला है। कई किलोमीटर तक कतारें इन व्हीकल्स की लगी हुई है। ये सैन्य मूवमेंट नजर आ रहा है और जिस जगह से ये वीडियो शूट किया गया वहां से ताइवान 952 किलोमीटर दूर है और ताइवान पर चीन की कैसी नजर रहती है ये सबको पता है। विवेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। ताइवान से सिर्फ 952 किलोमीटर की दूरी और चीन की ये तैयारी। बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा आपने, और ये पूरी दुनिया के लिए ये खबर इसलिए और बड़ी हो जाती है कि दुनिया के एक कोने में ये एक युद्ध चल रहा है और उसी दरमियान एक और वॉर फ्रंट खुलने का मतलब बहुत विभीषक वारदात हो सकती है साउथ चाइना सी और उस इलाके में। चीन और ताइवान का युद्ध का सीधा मतलब है कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो फिर अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा पूर्णिमा कि वो इस जंग में ना कूदे। यूक्रेन वाला मसला थोड़ा अलग था, अमेरिका उस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, केवल साजो सामान और सैन्य हथियार के तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहा है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका की एक सिक्योरिटी डील है जिसमें अमेरिका ने ये कमिटमेंट किया है कि बगैर उसकी संप्रभुता को, ताइवान की संप्रभुता को, रक्षा को अगर कोई खतरा महसूस होता है तो अमेरिका उसकी मदद करने के लिए आएगा। इसी वजह से ये जो काफिला आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रही हैं और जिस शख्स ने इस मूवमेंट का, पीएलए के मूवमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर हमें दिया है, वो भी चीन की कई सारी कारगुजारियों का खुलासा कर चुकी हैं और उनकी बात सत्यता के हर पैमाने पर खरी उतरी है। चिंता यही है कि चीन जिस तरीके से मूवमेंट पीएलए का हुआ है, और एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी ताइपे में जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक कि पीएलए की तरफ से 5 अगस्त का टाइम, विवेक मैं इसी पे आ रहा था, जो 5 अगस्त की तारीख आप बता रहे हैं। देखिए ये जो काफिला दिखा है 20 जुलाई को, ये दिखा है यांगजियांग गुआंगडोंग के प्रोविंस में, और गुआंगडोन जो कि बिल्कुल समुद्र वाला इलाका है, किनारे वाला, जहां से ताइवान मात्र 600-700 माइल्स दूर है। ताइपे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कहती है कि 5 अगस्त को अटैक कर सकता है चीन, और ये तैयारियां हम देख रहे हैं। क्या ये उस दावे को और पुख्ता करती है ये तैयारियां और ये काफिले की तस्वीर? बिल्कुल, मैं आपको वही गौरव बता रहा था कि ये उस दावे के एकदम करीब जाती दिख रही हैं तस्वीरें, और ये जो चीन की लगातार आर्मी का मूवमेंट होना और हजारों किलोमीटर दूर अपने एक ब्रिगेड को, अपनी एक पोस्ट को लेकर जाना, ये बताता है। गौरव, आपको याद होगा कि जब यूक्रेन पर हमला किया था 24 फरवरी को रूस ने, उससे पहले, उससे 10-15 दिन पहले ऐसे मूवमेंट के कई सारे वीडियो आने शुरू हुए थे, रूस की आर्मी का मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट पीएलए का ठीक वैसा ही है, और उस इलाके में कम्युनिकेशन ब्रिगेड को ले जाना, तैनात करना, जिसका ये काम। ठीक है विवेक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपसे आगे बात करते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ताइवान पर चाइना के अटैक का खतरा बहुत बढ़ गया है, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग के इस खुलासे के बाद कि गुआंगडोंग प्रोविंस जो कि चीन का ताइवान से लगते हुए समंदर में बिल्कुल समंदर वाला प्रोविंस है, वहां इस तरह से सैन्य काफिले का मूवमेंट बहुत कुछ संकेत देता है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।